हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं कैप्टन कबीर आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू गेम प्ले के साथ। तो चलो आज खेलने वाले हैं हम मैनकाइंड साइकोपैथ के साथ। तो फटाफट डेक चेंज कर लेते हैं। तो डेक में एक काउंटर लेना, एक और काउंटर बढ़ाते हैं, क्योंकि पता नहीं सामने रैंडी सेवेज मिल जाए या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो ज़्यादा स्ट्राइक यूज़ करता हो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। बस इसका कॉम्बो बस लग जाए, मतलब इसका एक जो ड्यूटी लगती है और साथ में फिनिशर, बहुत अच्छा कॉम्बो लगता है। बाकी नेट की वजह से वैसे भी मैच जीतना बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर मैच हारेंगी क्योंकि हार ही रहे हैं। और हारना तो ठीक है, मैच ही बंद हो जा रहा है, मतलब डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। तो इस टाइम जो जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है प्लीज़ कमेंट करना, बहुत गंदा चल रहा है मैच। तो सामने एज मिल चुके हैं, आर रेटेड सुपरस्टार एज, और मतलब हारना पक्का भाई, एडवांटेज लेनी पड़ेगी। चलो भाई इतना मारना पहले ही मार लेते हैं, उसके बाद चॉप से एडवांटेज लेते हैं, बढ़त जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट। और डिफेंसिव लग गया, मतलब काउंटर, मैं हर बार डिफेंसिव बोल जाता हूँ इसको, करता तो डिफेंसिव। अब फिर नहीं खिसका यार, ये खिसकता क्यों नहीं भाई। चलो रनिंग किक नहीं, और अब लगाएंगे डीडीटी, और डीडीटी के सहारे एक राउंड ख़त्म, क्योंकि फिर से लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। डीडीटी बहुत इसकी बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है, और इस डीडीटी के साथ अगर आप फिनिशर लगाते हो तो काफ़ी मतलब आधे से ज़्यादा हेल्थ खा सकते हो। और ये लग गया है काउंटर मूव, काउंटर मूव के बाद डीडीटी की टाइम है, और डीडीटी के साथ फिनिश ऑफ। और ये तीनों मिल के बहुत सारा डैमेज देते हैं भाई, देख रहे हो, तीन मूव्स, और ये देखो कितना सारा ख़त्म हो गया। तो मिक फॉली को अगर आप यूज करते हो या फिर इसको मैनकाइंड को, तो आप ये बस फिनिशर याद रख लो, मतलब कॉम्बो लगा के ये डीडीटी के साथ, मतलब ये मान लो कि बहुत खतरनाक, मतलब ये आपको एकदम बढ़िया कॉम्बो मिल जाएगा अगर आप इसको यूज करते हो, बहुत सही कॉम्बो है। और जो लगाते हो तो अच्छी बात है भाई, बहुत लोग तो यूज भी करते होंगे। और उसने फिनिशर लगा दिया भाई, हम चॉप लगाने गए थे, मुझे लग ही रहा था फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा, फिनिशर तो है इसके पास। मैं अभी क्या ही कर रहा हूँ यार, फिनिश नहीं कर रहा, एक राउंड नहीं यार, फिनिश करते हैं। चलो तो गाइस मैच ख़त्म हो गया है, फर्स्ट मैच। तो जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया दबा दो यार, और फटाफट करते हैं यार नेक्स्ट मैच, क्योंकि क्या है फिर पता चले नेट ही नहीं चले, बहुत मुश्किल से इस समय बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये मतलब इवन बहुत ज़्यादा लैग करता है ये गेम, या तो अपडेट आने वाला है इसलिए, या फिर जो भी है पता नहीं, बहुत सारा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। ये कौन है, लोल लोल, वाह वाह क्या नाम है भाई। चलो सामने हमारे जो भी हैं, ओ भाई फिर से एज, मतलब हरा के मानेगा भाई टोटली, ये है गेम कि तुम हारो तुम जीतो नहीं। चलो भाई एज फिर से मिल गया है, और एज का कॉम्बो बहुत खतरनाक है, और सब तो ठीक है लेकिन कॉम्बो बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसका, क्योंकि इसके मूव्स के जो वो है ना वो घटते जाते हैं। चलो हम काउंटर यूज करते हैं और थोड़ी बहुत हेल्थ इनकी डिक्रीज करते हैं। ओ भाई यूनिटी लगी नहीं, अगर लग जाती कहीं तो हम बढ़त ले लेते हैं यार, लेकिन लगी नहीं, पर कोई नहीं अब लगेगी, और लग चुकी है यूनिटी और ख़त्म। तो पहला राउंड इधर भी एज ने फटाका ख़त्म कर दिया है। तो आपको बता रहा हूँ अगर थोड़ा सा भी आप हेल्थ कम किए रहोगे तो डीडीटी के साथ एकदम पूरा ख़त्म कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी फिनिशर यूज या हाइप यूज किया नहीं है, बस एक स्पेशल मोड स्पेशल मूव वही यूज़ किया है, बाकी भी यूज़ कुछ किया नहीं है। तो पहला राउंड शायद ये जीत लेंगे, पर क्या पता, पहला राउंड शायद ये जीत जाएंगे क्योंकि अब हेल्थ बची नहीं है। ओ भाई काउंटर लगा दिया बंदे ने, बढ़िया दिमाग से खेला, काउंटर लगा के लगभग बराबर कर दिया, थोड़ा सा मैं आगे हूँ,
बाकी बराबर ही है। और ये रहा भाई, और लगी डीडीटी, अब एक तरफा मैच हो जाएगा और मैच ख़त्म ख़त्म, टाटा बाय बाय गया, क्योंकि डीडीटी लगने के बाद फिनिशर लगना ही लगना है, और थोड़ा बहुत बचेगा तो स्टॉम्प अपना काम कर ही देगा। तो गाइस यही कॉम्बो की बात कर रहा था मैं, बहुत ही ख़तरनाक कॉम्बो है, अगर आप लगा पाते हो तो फिर बहुत ही सही है। तो चलो अगला मैच देख लेते हैं। यार मैं 63 पे आ गया यार, मेरा 65 पहुंचने वाला था। वाह बहुत 200 का नुकसान हो गया नेट की वजह से, बहुत ख़तरनाक, मतलब बहुत लैग करता है इस टाइम। तो नेक्स्ट मैच देख लेते हैं, नेक्स्ट मैच किसके साथ मिलता है, द लेजेंड क्लेम रैंडी ऑर्टन के साथ है। तो मैं भी रैंडी ऑर्टन बढ़िया खेलता है भाई, चलो चलो। ओ भाई कर अभी भाई, कॉम्बो पे कॉम्बो, मेरा तो कुछ लग ही नहीं रहा। अरे नहीं लगाना था यार, वो तो यही यूनिट कर ही रहा भाई, और उठा भी लिया है, फिर से काउंटर, ग्रैपल पे ग्रैपल, ग्रैपल पे ग्रैपल मारे ही जा रहा भाई। एक राउंड मार लो भाई, फिर हम स्टार्ट करते हैं, मार लो तुम एक राउंड मार लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा हमको मौका भी नहीं मिला और नेट भी बहुत घटिया चल रहा भाई। चलो अब हमारी बारी, अब हमारी बारी भाई, शर्माना नहीं भाई, अब हमारी बारी। चलो 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 चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी तो तुम्हारे पेट का खाना बाहर निकालेंगे फिर अंदर डालेंगे। चलो ये लो, अरे मेरे को ग्रैपल यूज करना था भाई, क्या ही कर रहा है, जब करना था नहीं किया, अभी ग्रैपल यूज कर रहा है। बहुत बहुत इस टाइम मतलब बहुत ही गंदे मैच जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे मैच जा रहे हैं, बहुत ही गंदे ज़्यादा मैच जा रहे हैं। चलो एक राउंड तो फिनिश, तो सेकंड मतलब फर्स्ट राउंड हमने जीत लिया थर्ड मैच का। तो गाइस सेकंड राउंड देख लेते हैं, सेकंड राउंड पे क्या होता है। काउंटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन लगा नहीं काउंटर। चलो एक बस मिल जाए हमें सहारा, बस एक ड्यूटी अगर कनेक्ट हो जाती है तो फिर अपन ज़रूर जीतेंगे, और हो गई कनेक्ट, और लगेगा अपना फिनिशर में भी शायद बच जाएगा, ख़त्म तो हो नहीं पाएगा गाइस, बस स्टॉम्प लगा पाएंगे पर उससे ख़त्म नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा यार, थोड़ा सा वेट। और उसने फिनिशर लगा दिया, और फिनिशर उसका बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि लास्ट वन मिनट में बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। और ये देखो कितनी सारी हेल्थ खा गया गाइस, बहुत क्लोज था मैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, लव यू।